आज की जो वीडियो है वो ना तो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है किसी प्लान के मुतलिक और ना ही मेरा कोई शॉपिंग हॉल है जो मैंने अभी रिसेंटली शॉपिंग की है तो ये वीडियो फिर क्या है ये वीडियो है बेसिकली गिफ्ट्स हैं जो मुझे मिले हैं और बहुत ही एक स्पेशल पर्सन है जिनकी तरफ से मुझे गिफ्ट रिसीव हुए हैं तो मैं उनकी तरफ विज़िट के लिए वैसे गया था उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझे याद ए कॉम्प्लीमेंट्री जो है गिफ्ट जो हैं मुझे दिए हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन्होंने मेरे मुझे मेरे साथ क्या क्या शेयर किया है Uh, अपनी ही कलेक्शन में तो से तो उनमें सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है सामने वो है एटीनियम रेपिकम ये हाइब्रिड है कोई उनके ही अपने ही सीड्स uh, से जो उनके प्लांट से सीड्स उनको मिले थे उससे ही उन्होंने ग्रो किया और ये उन्होंने मुझे जो है एज़ ए गिफ्ट जो है मुझे दिए है उसके अलावा एक और एटीनियम उन्होंने मुझे दिया है ये भी है कमी है कोई एक वैरायटी है थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड लग रहा है मुझे लेकिन ये भी इसको कुछ दिन पानी मिलेगा तो मुझे उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा या फिर ये मुझे लग रहा है नीचे से ख़राब है तो कोई मसला नहीं है या जितना पोर्शन ये ठीक लग रहा है इसको मैं अलग करके तो दोबारा लगा दूंगा ये ग्रो कर जाएगा और उसके बाद ये जो है मुझे मिला है पैकीपोडियम सॉन्डरसाई ये भी उनके अपने ही प्लांट की सीडलिंग है उनके प्लांट से जो सीड्स बने थे उससे उन्होंने इसकी जो है सीडलिंग तैयार की थी तो उन्होंने ये एक जो है मुझे गिफ्ट जो है वो प्लांट जो है इसका दिया है इसको अब मैं खुद से रीशेप करूँगा जैसे जैसे ये ग्रो करेगा उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये मुझे मिला है यूफोरबिया हॉरिडा का एक पप जो है इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है और ये प्लांट भी बहुत ही अच्छी शेप में और बहुत हेल्दी और अच्छा प्लांट है उसके बाद नेक्स्ट जो एक वैरायटी है उस वैरायटी का नाम जो है मुझे भी नहीं आता और उनको भी शायद मुझे लगता है भूल गया था लेकिन मैंने ये प्लांट काफ़ी देखा हुआ है ये भी नीचे कॉडेक्स बना लेता है और आप देख रहे हैं इसका जो तो जॉडक्स है नीचे तो ये वैसे कटिंग ग्रोन है वो मुझे कह रहे थे लेकिन उन्होंने ये जो है स्पेशली मुझे जो है गिफ्ट किया है और मेरे लिए ही उन्होंने ये ग्रो किया था नेक्स्ट एक और उन्होंने मुझे प्लांट दिया जिसको मैंने अभी पॉट में लगाना है और उसके लिए मैंने क्या किया तो मैंने कहा चले मैं ब्लॉग शूट कर लेता हूँ साथ में साथ इसको पॉट में भी लगा लूँगा तो मैंने टिशू पेपर को वेट किया वेट करके इसकी रूट पर इसको लपेट दिया तो अब मैं आप लोगों के सामने ही जो है इसको पॉट में लगा देता हूँ अगर आप में से किसी को भी पता है इन दो प्लांट्स का नाम तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी जो है इनके मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो और मैं इनको जो है रीशेप कर सकूं अपने स्टाइल में तो ये था मेरा गिफ्ट का एक छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया